जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपको मैं बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ एसएससी के द्वारा एग्जाम कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया है 2021 और 2022 के लिए। उनमें देखिएगा आपके जो भी एग्जाम जिनको आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, उस नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि आप आज से ही लगातार आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा और अपने सिलेबस को कम्प्लीट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि जब आपका नोटिफिकेशन आए तब तक आप उन सारी चीज़ों को जो वो तैयार कर चुके होंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि नहीं यार बहुत हो गया पढ़ते पढ़ते, अब मैं चाहता हूँ कि MTS या फिर मैं CHSL या मैं AWO TPO की नौकरी करना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस की नौकरी करना चाहता हूँ, या फिर आप GD की नौकरी करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए एग्ज़ाम डेट क्या रहेगा, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसका जो नहीं लास्ट तारीख इसका क्या रहने वाला है, तो इस सब के बारे में आपको बता दिया गया है। याद रखिएगा, नोटिफिकेशन आने पर तैयारी करेंगे तो मुझे नहीं लगता आप क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन यदि आज से ही करेंगे तो मुझे लगता है पूर्ण संपूर्ण भरोसा है आप बहुत कुछ कर जाएंगे। और देखो, एक ये मन में होता है कि ये नौकरी मुझे भैया छोड़नी नहीं है, बहुत धक्के खा चुका हूँ, अब मुझे पढ़ना है। तो अगर आप ऐसा होगा तो आपके मन में एक सवाल भी होगा कि मैं इस नौकरी को जो है इस वजह से जो है मुझे गलानी फील ना हो कि मेरे नंबर कम आए, यार मेरी तैयारी कम थी, आज से ही पढ़ेंगे और जब नोटिफिकेशन आएगा तब और आप अदर स्टेट्स में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा। नौकरी बहुत शानदार है। अब देखिएगा, अगर आप सिविल की नौकरी करना चाहते हैं, MTS है, CHSL है, तो भाई देखिएगा ये नौकरी बहुत शानदार होती है। जो भी अवकाश होते हैं पब्लिक में वो सब मिलते हैं आपको, और आपको पता है 10 बजे जाओ शाम को 4 बजे आ जाओ, और बहुत आलीशान आपको जो है क्वार्टर मिलते हैं रहने के लिए, फैमिली के लिए वो सारी छुट्टियां मिलती हैं जो आपके लिए मिलती हैं, जो अदर पर्सन के लिए मिलती है। लेकिन बेल्ट में क्या होता है, देखो बेल्ट की नौकरी जो होती है और सिविल की नौकरी में बहुत थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि आप सिविल में जाना चाहते हैं तो इससे बेहतर ये मैं कहना चाहूँगा कि SSC भले ही सपोज करिए आपका एग्ज़ाम होने वाला मई में, चाहे ये एग्ज़ाम हो जुलाई या सितंबर में, नो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहूँगा कि जब आप यदि ये सोच करके तैयारी करेंगे कि मुझे इन सारी वैकेंसीज़ जो मैं एक डिज़ायरेबल जो भी मेरा वैकेंसी है, सपोज़ CHSL है, तो आप उसके लिए आज से आप अपने आप को तैयार करें। मैं सबके लिए बस ये कहना चाहूँगा कि आज से ही पढ़ें, आप पढ़िएगा ज़रूर, तैयारी आज से कर दीजिएगा, और तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ पाएगा। नहीं तो फिर हमेशा यही रहेगा कि थोड़ा हमने तैयारी जो है वो लेट स्टार्ट किया था। बस यही कहूँगा, आप अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।